How are you? I hope you all are happy and safe with your family. Before start our session, we start prayer. Join your hands and close your eyes. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Shakshat Param Brahma, Tasmai Sri Guruve Nama. Dhyanamulam Guru Murti, Pujamulam Guru Padam, Mantramulam Guru Vakyam, Mokshamulam Guru Krupa, Mokshamulam Guru Krupa. Om Shanti Shanti Shanti. Kids, अभी last session में हमने नया topic कौन सा start किया है? Family. Today I am going to tell about family story. उनके related एक मैं story आपको बता दी. Now start story. Once there was a boy named Kirin. एक Kirin नाम का लड़का था. He did not like living in a big family. उनको क्या पसंद नहीं था? Big family में रहना पसंद नहीं था. Living in a big family was a huge headache. उनके लिए big family में रहना बड़ा सिरदर्द समान था. He was never alone. यानी big family होती है तो उसको भी अकेला रह नहीं सकता था. तो उसको सिरदर्द होने लगता था. One day his family had to attend a wedding. एक दिन क्या हुआ? उनकी फैमिली को कोई वेडिंग में जाना था, अटेंड करने के लिए जाना था. बट किरीट वॉज नॉट सो इंटरेस्टेड. किरीट को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उनको फैमिली के साथ कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था. ही हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू कंप्लीट. उनके पास बहुत ज़्यादा वर्क कंप्लीट करने का था तो उसे कहीं जाने का इंटरेस्ट ही नहीं था फैमिली के साथ. एट फर्स्ट मोम एंड डैड डिड नॉट वॉन्ट टू लीव किरीट अलोन एट होम. पहले तो मॉम और डैड ने उसे घर पे अकेले रहने के लिए घर में रहने के लिए हाई नहीं बोला. बट किरीट वॉज फाइनली अलोन एट होम एंड वॉन्टेड टू एंजॉय द डे विथ हिज फ्रेंड्स. फाइनली फिर क्या डिसाइड हुआ कि वो घर पे अकेला रहेगा, अपना वर्क भी फिनिश करेगा. लेकिन फिर उसने क्या किया? एंजॉय द डे विथ हिज फ्रेंड्स. उसने क्या किया? जो पूरा दिन वो अकेला रहता था तभी उसने फ्रेंड के साथ ये डे स्पेंड करने का प्लान किया. ही कॉल्ड हर फ्रेंड्स. उसने क्या किया? उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया. टू कम टू हाउस. अपने घर पे अपने फ्रेंड्स को बुलाया. बट नो वन वॉज अवेलेबल. लेकिन ये सारे कोई थे ही नहीं, उनके पास टाइम नहीं था. एट आवर लेटर हिज बेस्ट फ्रेंड जॉय कम. एक घंटे के बाद उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो जॉय आया. एंड देन दे गॉट देयर बाइसिकल. फिर उसने क्या किया? अपनी अपनी बाइसिकल ली एंड बिगेन रेसिंग विद ईच अदर. उनने बाइसिकल से रेसिंग स्टार्ट की. अनफॉर्चुनेटली ऑन द वे किरीट एंड जॉय मेट विद एन एक्सीडेंट. अभी क्या हुआ? एक जब ये रेसिंग कर रहे थे तभी किरीट और जॉय का एक एक्सीडेंट हो गया. किरीट फाउंड हिमसेल्फ इन द हॉस्पिटल विथ अ फ्रैक्चर लेग. किरीट को फ्रैक्चर आ गया और वो हॉस्पिटल में सो गया. जॉय कॉल किरीट्स पेरेंट्स. जॉय ने किरीट्स के पेरेंट्स को कॉल किया. द डॉक्टर लेट किरीट गो. डॉक्टर ने किरीट को जाने की परमिशन दी. एंड ही वॉज टेकन बैक टू हिज हाउस. फिर उसको घर पे ले भेज उनके पेरेंट्स. डैड वॉज एंग्री. उनके डैड एंग्री हो गए यानी गुस्से हो गए. एट हिम फॉर लाइंग. उसने ये झूठ बोला इसलिए उसके डैड गुस्सा हो गए क्योंकि उसने झूठ बोला था. मॉम हाउ एवर कन्विंस्ड डैड नॉट टू स्क्रीम एट हिम. फिर भी मॉम ने
पापा को समझाया, डैड को समझाया कि अभी ये छोड़ो। सून टेरी बिगेन टू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ फैमिली। उसके बाद टेरी ने क्या देखा, फैमिली की दूसरी साइड उसने देखी। हिज डैड ब्रॉट बुक्स एंड गेम्स टू कीप हिम बिजी। उनके पापा क्या लेकर आए उनके लिए, जो वो बेड में था तो उनके टाइम पास के लिए वो बुक और गेम्स लेकर आए। हिज मॉम कुक फॉर हिम फेवरेट डिशेज, उसकी मम्मा ने उनकी फेवरेट डिशेज बनाई। एंड सी टुक हिज मेडिसिन ऑन टाइम, वो उसकी इतनी केयर करती थी कि टाइम पर उसको मेडिसिन देती थी। हिज ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड हिम स्टोरी, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उसे स्टोरी कहते थे जब वो बोर हो जाता था। हिज कजिन्स प्लेड गेम व्हेनेवर ही फेल्ट बोर, यानी वो उनको बेड रेस्ट करते करते टाइम पास नहीं हो रहा था तभी जो उनके कजिन थे उसके साथ गेम भी खेलते थे। हिज यंगेस्ट ब्रदर ब्रॉट हिम वर्क फ्रॉम स्कूल, उसका जो बड़ा भाई था वो स्कूल से उसका वर्क लेकर आया। टू कीप हिम अपडेटेड, वो स्कूल के साथ रहने के लिए उनका वर्क भी वो लेकर आ रहा था। किरिन फेल्ट हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ फैमिली। किरिन ने ये सारी चीज़ें देखी, उसने क्या क्या देखा, जो पापा के लिए बुक्स लाए, गेम्स लेकर आए, मम्मा ने उनके लिए फेवरेट डिश बनाई और उनकी केयर लेती थी, उनके ग्रैंड पेरेंट्स उसे स्टोरी बोल रहे थे और उनका यंगेस्ट ब्रदर था वो उनके लिए स्कूल का ग्रुप भी लेकर आता था तो वो स्कूल के साथ रहे और उनकी कजिन ब्रदर उनके साथ गेम्स खेलते थे। ये सारी चीज़ उसने देखी। केरी फेल्ट हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ फैमिली, उसने ये देखकर खुशी हुई। व्हाट वुड आई हैव डन विदाउट देम, मैं ये इसके बिना मैं क्या करता, ये सारे फैमिली के बिना मेरा क्या होता। आई एम सो सॉरी ग्रैंडपा फॉर लाइंग, उसने ग्रैंडपा को क्या कहा, मैं सॉरी क्योंकि मैंने आप लोगों को झूठ बोला। बट दिस एक्सीडेंट शोड मी, ये एक्सीडेंट ने मुझे बता दिया कि फैमिली क्या है, द रियल मीनिंग ऑफ अ बिग फैमिली, यानी बिग फैमिली का रियल मीनिंग मुझे ये एक्सीडेंट ने बता दिया। ही अपोलाइज टू हिज फैमिली फॉर लाइंग, इसने ये झूठ बोला था तो ही उसने पूरी फैमिली की माफी मांगी। फिर पूरी फैमिली ने कहा इट्स ओके इफ यू हैव लर्न योर लेसन, अगर आपने इससे कुछ सीखा है, लेसन सीखा तो इट्स ओके। केरी नो मोर कंप्लेन अबाउट लिविंग इन अ बिग फैमिली, यानी केरी को अब बिग फैमिली के लिए कोई भी कंप्लेन नहीं थी। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि फैमिली हमारे लिए बहुत काम आती है। हमारी जब जब जरूरत होती है तभी हमारी ये सारी ज़रूरतें कौन पूरी करता है, हमारा फैमिली। तो हमें फैमिली को रिस्पेक्ट देना चाहिए, एल्डर्स को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। नाउ टर्न टू अवर क्लासरूम, राइट द क्लासवर्क, फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर क्लासवर्क एंड डेट एंड देन आफ्टर वी राइट टॉपिक्स नेम एफ ए एम आई एल वाई फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई फैमिली। व्हाट वी राइट यस्टरडे, वी राइट द स्पेलिंग ऑफ फादर एंड मदर, टुडे वी राइट द स्पेलिंग ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। जी आर ए एन डी एफ ए टी एच ई आर ग्रैंडफादर, जी आर ए एन डी F A C H E R grandfather।
जी आर एन डी एफ ए टी एच ई आर ग्रैंड फादर. नाउ वी राइट द स्पेलिंग ऑफ ग्रैंड मदर. जी आर ए एन डी एम ओ टी एच ई आर ग्रैंड मदर. जी आर ए एन डी एम ओ टी एच ई आर ग्रैंड मदर. जी आर ए एन डी एम ओ टी एच ई आर ग्रैंड मदर. जी आर ए एन डी एम ओ टी एच ई आर ग्रैंड मदर. नाउ वी राइट द क्वेश्चन. First write here C W and they, and then we write here question two. W first letter should be writing capital W H A T. What is your O? You are your F A T H E R S father's name. Any name. And then after we put here question mark. Kya karenge yahan? Question mark. Question hai to question mark lagayenge. Again the word is your फादर्स नेम, यानी आपके पापा का नाम क्या है. अभी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म करेंगे आंसर टू. और यहाँ हम लिखेंगे माई एम वाई माई फादर्स एफ ए टी एच ई आर एस फादर्स नेम इज. फिर आपको क्या करना है, आपको अपने पापा का नाम फिर सरनेम लिखना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ नाम लिख रही हूँ वैसे ही आपको अपने पापा का नाम लिखना है. के ई टी ए एन केतन, यानी कोई भी नाम लिखो तो फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में लिखना है और उनके साथ उसकी सरनेम भी लिखनी है. सरनेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. पटेल तो पी ए टी ई एल पटेल. माय फादर्स नेम इज केतन पटेल. यहाँ हम क्या करेंगे फुल स्टॉप. सेंटेंस फिनिश होता है तो हमें यहाँ फुल स्टॉप लगा लेना और आपको अपने पापा का नाम फिर सरनेम लिखना है. जैसे आपकी कोई भी सरनेम है तो वही सरनेम आपको लिखनी है, अपने पापा का नाम लिखना है. Take out your notebook and first you have to write here CW and date and then you have to write here topic's name. F A M I L Y family and then we write the spelling of grandfather. G R A N D F A T H E R grandfather and second spelling is grandmother. G R A N D M O T H E R grandmother. अभी आपको ए स्पेलिंग बोथ स्पेलिंग यू हैव टू राइट योर सिक्स टाइम इन योर नोटबुक. देन वी राइट द क्वेश्चन नंबर टू. यू हैव टू राइट योर क्लास वर्क एंड डे एंड
राइट द क्वेश्चन टू. वॉट WHAT वॉट इज योर फादर्स FATHERS फादर्स नेम एन AME नेम पुट फुल स्टॉप देन वी राइट द आंसर. आंसर माय फादर्स FATHERS फादर्स नेम इज केतन पटेल KETAN केतन PATEL केतन पटेल एंड यू हैव टू राइट क्वेश्चन वन टाइम एंड आंसर थ्री टाइम इन योर नोटबुक. नाउ होमवर्क टेक आउट योर वर्कशीट. फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर टेक आउट पेज नंबर 29 एंड राइट हियर HW and date. Then after you write the spelling of grandfather and grandmother. GRANDFATHER grandfather and grandmother. GRANDMOTHER grandmother. ये बहुत स्पेलिंग आपको ये वर्कशीट में करना है. नाउ टेक आउट पेज नंबर 34 एंड यू हैव टू राइट हियर HW एंड डेट. नाउ क्वेश्चन टू व्हाट इज योर फादर्स नेम. व्हाट इज योर फादर्स नेम. आंसर वन माय MY माय फादर्स FATHERS फादर्स नेम इज केतन पटेल. यानी आपको अपने पापा का नाम लिखना है KETAN केतन पटेल PATEL पटेल एंड पुट फुल स्टॉप. आपको अपने पापा का नाम विद सरनेम लिखना है और ये पूरा पेज यानी आंसर थ्री टाइम आपको लिखना है. टुडेज क्लास इज ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर राइटिंग नोटबुक एंड क्वेश्चन टू व्हाट इज योर फादर्स नेम इन नोटबुक. होमवर्क इज पेज नंबर 29 इन वर्कशीट एंड पेज नंबर 34 इन वर्कशीट. चिल्ड्रन टेक केयर एंड बाय बाय.